नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर मेडिकल कोचिंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि आपका चैप्टर का नाम हो गया आपका मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हथौड़े से पीट कर धातुओं को चादर के रूप में डाला जा सकता है, धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए है तन्यता, ऑप्शन नंबर बी है आपका धर्मंत्रियता, ऑप्शन नंबर सी है चादरन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, आधर्मधन्यता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? आपका ऑप्शन नंबर है ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नेशियम, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी, कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का एक अयस्क है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी है टीन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका एल्युमिनियम। और बॉक्साइड का जो केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो आपका Al2O3 × H2O। तो इसको याद करके, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का उपयोग वायुयान के निर्माण में प्रयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है आपका डोलोमीन, ऑप्शन नंबर बी है आपका पीतल, ऑप्शन नंबर सी है स्टेनलेस स्टील और ऑप्शन नंबर डी है जर्मन सिल्वर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ड्रेलियम। उसके बाद अगर आपको यही क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ दिया जाए कि कौन सा मेटल को यूज करके वायुयान बनाया जाता है, तो उसमें हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, क्योंकि वो हाला होता है इसीलिए। और जो व्हीकल जो जैसे कि एयरक्राफ्ट उड़ता है तो वो तो हमको क्या चाहिए, लाइट इन वेट, तब कम फ्यूल खाएगा, तो इसीलिए एल्युमिनियम का बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे धातु जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका पारा, ऑप्शन नंबर आपका बी है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी है ब्रोमियम, ऑप्शन नंबर डी है आपका सोडियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रोमियम। अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन सा मेटल है जो द्रव अवस्था में रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका मरकरी, जिसे हिंदी में पारा कहा जाता है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए है आपका सोडियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका पारा, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्मियम, ऑप्शन नंबर डी है आपका पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी पारा, जिसे मरकरी भी कहा जाता है, क्योंकि हम आपको इसे 5th नंबर क्वेश्चन में ही बता दिए थे कि अगर मेटल द्रव अवस्था में पूछे तो उसका सही आंसर होगा मरकरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अब तक ज्ञात अधातुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर आपका ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है आपका 6, ऑप्शन नंबर सी है आपका 12 और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना है? 8 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, स्टील के बर्तनों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी है स्टील, ऑप्शन नंबर डी है टंगस्टन स्टील। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए, स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस धातुओं को क्रोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका सोना, ऑप्शन नंबर बी है आपका पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम, ऑप्शन नंबर डी है टाइटेनियम। इसका जो सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी सोडियम, जिसको Na उसका केमिकल फॉर्मूला या Na से उसको सूचित किया जाता है केमिस्ट्री में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आयरन का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका मैग्नेट ट, ऑप्शन नंबर बी है आपका लिमोनाइट, ऑप्शन नंबर सी है सीडेराइट, ऑप्शन नंबर डी है हेमेटाइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, हेमेटाइट, हेमेटाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11,
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कौन से अधातुओं का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर आपका सी है अर्मनियम और ऑप्शन नंबर डी है बोरॉन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी सिलिकॉन। सिलिकॉन का बहुत ही ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिक उपकरण में उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है, सबसे भारी अधातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑस्मियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका लोहा, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी है जिंक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका ऑस्मियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बल्बों के नाइक्रोम तार को बनाने के लिए धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपका तांबा, ऑप्शन नंबर सी है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी है आपका स्टील। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कार्बोनेट या ऑक्साइड इसको को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका भर्जन, ऑप्शन नंबर बी है आपका आसवन, ऑप्शन नंबर सी है आपका द्रवगलन, ऑप्शन नंबर डी है आपका निष्पात। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं को परमाणुओं की बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की सामान्यतः संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 6, 7, 8, ऑप्शन नंबर डी में आपका 4, 5, 6। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी 1, 2, 3, इससे ज़्यादा नहीं होता। आप सब लोग को अगर किसी को डाउट होगा कि इस क्वेश्चन में जो है आपका 2, 8, 18 होगा तो वो अलग होता है, वो आपका क्रम में होता है, कैसे अरेंज होता है, लेकिन ये आपका हम बताएं थे कि कितना रह सकता है। जैसे सोडियम का बाहरी कक्ष में 1 रहता है, मैग्नीशियम आपका 2 रहता है, उसके लिए हम ये उस क्वेश्चन का ये जवाब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में कौन सी उभयधर्मी है? ऑप्शन नंबर ए है आपका जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है आपका HGO, ऑप्शन नंबर सी है आपका NO, ऑप्शन नंबर डी है आपका PO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड ZNO। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा उदासीन ऑक्साइड है? ऑप्शन नंबर आपका ए है CO, ऑप्शन नंबर बी है NO, ऑप्शन नंबर सी है आपका CO2, ऑप्शन नंबर डी है आपका ZNO। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ, आपका यहाँ पे बोथ रहना चाहिए लेकिन मिस्टेक से मिसप्रिंट से नहीं दे पाए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है और आपका बी भी सही है, तो CO एंड NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड। धूम में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य नमक, ऑप्शन नंबर बी समुद्र, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य नमक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगती है, ऑप्शन नंबर ए आपका है फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर बी जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी है क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए बैटिन ने, डोमेक ने, रोनाल्ड लॉस ने और हॉर्वे ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैटिंग ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उष्मा उपचार से, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजनीकरण से, ऑप्शन नंबर सी उष्माकरण से ऑक्सीजीकरण से और ऑप्शन नंबर डी एंजाइमों के द्वारा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हाइड्रोजनीकरण से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए है आपका जस्ता, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्टील, ऑप्शन नंबर सी है सीसा, ऑप्शन नंबर डी है आपका एल्युमिनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टील। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अधातु कौन है? ऑप्शन नंबर ए है आपका मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर आपका बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है लेड, ऑप्शन नंबर डी 4 यानी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि आपका मैग्नीशियम
सोडियम और लेड तीनों क्या है, एक मेटल है। मेटल कहने का मतलब धातु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातुओं की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए AU, ऑप्शन नंबर आपका जो दो है वो आपका CU, ऑप्शन नंबर आपका तीन है वो N है, या N यानी नाइट्रोजन है, CU मीन्स कॉपर और AU मीन्स सोना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका AU, CU तो है धातु लेकिन नाइट्रोजन जो है ये आपका एक अधातु है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, बोथ होता है ए और एक और दो दोनों से होता है, तो ये आपका कॉपर है, ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है इसका जो ऑप्शन ही मिस प्रिंट हो गया, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होता, एक एवं दो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बताएं कौन अधातु है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पटेनियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका मरकरी, ऑप्शन नंबर सी अपारा, ऑप्शन नंबर आपका डी अपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर आपका डी सभी। क्यों? क्योंकि देखिए आपका जो पोटेशियम धातु है ये आप जानते हैं पटेनियम, मरकरी और पारा दोनों एक ही चीज़ है, इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है पारा, तो इसलिए ये तीनों हो गया, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चार सभी अभियुक्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर आपका बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर आपका सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी अपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका डी अपयुक्त सभी, क्योंकि आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन आपका तीनों जो है एक अधातु है। और देखिए ऑक्सीजन जो होता है इसका जो आपका धातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है कार्बन भी, इसको सी से डिनोट किया जाता है, हाइड्रोजन को एच से किया जाता है और ऑक्सीजन को आपका ओ से किया जाता है। इसका परमाणु संख्या आपका 8, इसका 1, इसका कार्बन का 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन अधातु नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपका पटेनियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका सल्फर, ऑप्शन नंबर आपका सी यानी 3 आयोडीन, ऑप्शन नंबर आपका डी क्लोरीन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका पेटेनियम। पेटेनियम आप जानते होंगे कि पेटेनियम जो है आपका वो है एक धातु है, इसलिए आपका ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा पेटेनियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, धातु निम्नलिखित में क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत धनात्मक, ऑप्शन नंबर दो यानी बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर आपका 3 अपयुक्त दोनों है और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, विद्युत धनात्मक होता है ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि आप सोडियम भी किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो Na+ यानी ये पॉजिटिव साइन हमेशा लेके चलता है, और नॉन मेटल कहता तो ऋणात्मक हो जाता। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, जिंक का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 910, ऑप्शन नंबर बी है 907, ऑप्शन नंबर 3 है 915, ऑप्शन नंबर आपका 4 है 950। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 907 डिग्री सेल्सियस। और देखिए जो आपका क्वथनांक है इसका मतलब होता है बॉइलिंग टेम्परेचर, यानी कितना पे ये उबलने लगेगा, लिक्विड अवस्था से वेपर बनने के लिए तैयार हो जाएगी। और देखिए जैसे कि अगर वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर पूछा जाए तो वो आपका कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपको इंग्लिश में रहे हिंदी में रहेगा तो उसको क्वथनांक पूछेगा कि वाटर का कितना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अधातुओं के विशिष्ट भौतिक गुण कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका ए है विद्युत धनात्मकता गुण, ऑप्शन नंबर आपका दो है अर्धधन्यता, ऑप्शन नंबर आपका 3 है तन्यता और ऑप्शन नंबर आपका 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका 4 उपयुक्त सभी, क्योंकि देखिए विद्युत धनात्मकता भी ऊपर बताए थे कि एक मेटल का गुण है, अर्धधन्यता भी है, तन्यता भी है, तन्यता यानी जो घींच के कितना नंबर कर सकते बड़ा कर सकते हैं, ये पॉजिटिव साइन जैसे इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, धातु का गुण होता है दानी नेचर, तो इसके कारण इसको पॉजिटिव रखा जाता है। और धन्यता होता है पीठ के आपका चदरा के आकार में जो बना देते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, सिल्वर का क्वथनांक कितना होता है। क्वथनांक तो समझ रहे होंगे बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, सीधी सी बात। तो ऑप्शन नंबर एक में है आपका 962 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी में है 50, ऑप्शन नंबर 3 में है 80 डिग्री सेल्सियस और
डी आपका चार नंबर में है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 962 डिग्री, कितना 962 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यूनिट का याद रखिएगा, अगर कैल्विन कह दे तो आपको 273 इसमें जोड़ के आंसर बताना होगा। ये सब याद रखिएगा, नहीं तो छोटा स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन में आदमी गलती कर देता है स्टूडेंट सब, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में किस धातुओं को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है एक यानी सोडियम, ऑप्शन नंबर दो में पोटेशियम है, ऑप्शन नंबर तीन में उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर चार में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त दोनों, पोटेशियम और सोडियम दोनों जो होता है चाकू की सहायता से काट सकते हैं, जबकि मेटल का गुण होता है कि कठोर होता है, लेकिन ये चाकूओं से कट जाता है, ये अपवाद में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जिंक का घनत्व कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया 7.1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका 8.2, ऑप्शन नंबर थ्री में दिया है 10.2, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया है 1.1। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 7.1। अगर वाटर का पूछ दे तो आपका 1 होता है। घनत्व कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि एक स्पेस है, इसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका मटेरियल आ जाएगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतना घना बोलिए बोलिए घना होगा। जैसे कि कोई फसल में ही ज़्यादा आपका कोई उपज होता है तो बोलते हैं ना कि यहाँ घना है, इधर घना अच्छा से उपजा है, ठीक है, मतलब कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा मास को ऑक्युपाई कर पाए। इसलिए इसका फॉर्मूला भी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास वॉल्यूम कम से कम हो और मास ज़्यादा से ज़्यादा हो तब आपका जो है ना डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी घनत्व को इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका मास अपॉन वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पोटेशियम तथा बेरियम का संकेत क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका K(Ba), ऑप्शन नंबर दो नंबर में है आपका Ca(Ba), ऑप्शन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, पोटेशियम तथा बोरियम का संकेत क्या होता है। ऑप्शन नंबर एक में है आपका K(Ba), ऑप्शन नंबर दो में है आपका Ca(Ba), ऑप्शन नंबर थ्री में है Cr(Al), और ऑप्शन नंबर चार में है Ni(Na)। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए K(Ba), और इसका जो पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है वह आपका 19 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका Ni जैसे Al है तो इसलिए एलुमिनियम का हो गया, Cr क्रोमियम हो गया, इस तरह ही मेटल सब का नाम दिया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कैसा ऑक्साइड बनाती है। यह ऑक्साइड जल में घुल कर के अम्ल बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी में है आपका अम्लीय, ऑप्शन नंबर तीन में है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी यानी अम्लीय। उसके बाद निम्नलिखित में नीचे में अधातुओं को कुछ ऑक्साइड दिए गए हैं, इनमें से कौन लिटमस के प्रति उदासीन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन बताते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर थ्री है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी इनमें उपयुक्त सभी, ये तीनों आपका होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया करके क्या बनाती है। ऑप्शन नंबर एक में आपका क्लोराइड, ऑप्शन नंबर आपका जो दो है उसमें कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर थ्री में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर जो चार है इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है एक, क्लोरीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अधातुओं को जल के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर एक में है हाँ हाँ करती है, दो में नहीं नहीं करती है, ऑप्शन नंबर तीन में कुछ कहा नहीं जा सकता, और ऑप्शन नंबर चार है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दो, नहीं करती है, नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उस
धातु का नाम बताइए जो किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर एक में आपका तांबा, ऑप्शन नंबर बी में आपका लोहा, ऑप्शन नंबर थ्री में है सोडियम और ऑप्शन नंबर चार में डी, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थ्री, सोडियम, जिसको Na से सूचित किया जाता है और इसको चाकू के सहायता से भी काटा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्राकृतिक में क्रियाशील धातुओं मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर है एक में नहीं, नहीं पाई जाती है, हाँ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर थ्री कुछ नहीं कहा जा सकता, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका एक, नहीं पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यह बताइए बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका एक या दो होगा, उसी में हम बताए थे कि आपका बॉक्साइड का किसका है, ये वही क्वेश्चन है आपका, रिपीट कर दिए। एक नंबर में सोडियम, एक दो नंबर में आपका एल्युमिनियम और थ्री नंबर में पोटेशियम और चार नंबर में कैल्शियम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो आपका है उसी का बॉक्साइड है, ये ज़्यादा भी यूज, बहुत ज़्यादा यूज होता है, एल्युमिनियम जो आप कहते हैं इसी का बॉक्साइड रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अक्रिय गैस कैसी होती है? ऑप्शन नंबर आपका एक में है उत्कृष्ट गैस, ऑप्शन नंबर दो में हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर थ्री में है विद्युत सुचालक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका एक, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहसंयोजक बंध विद्युत की क्या होती है? ऑप्शन नंबर एक में कुचालक, ऑप्शन नंबर दो में सुचालक, ऑप्शन नंबर तीन में इनमें दोनों और ऑप्शन नंबर जो 21 नंबर क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंधन विद्युत के क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर एक में है आपका कुचालक, ऑप्शन नंबर दो में सुचालक, ऑप्शन नंबर तीन में है दोनों, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका एक, कुचालक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बनाती है धातु जब ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है? ऑप्शन नंबर एक में है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर दो में है आपका द्विधर्मी ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में है आपका भास्मिक ऑक्साइड बनाती है, ऑप्शन नंबर डी में है जिंक ऑक्साइड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थ्री, भास्मिक ऑक्साइड बनाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क नहीं है? ऑप्शन नंबर एक में है कुरंडम, ऑप्शन नंबर दो में आपका सीनेवार, ऑप्शन नंबर तीन में है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी में है क्रोयूलाइट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका दो, सीनेवार, क्योंकि ये आपका क्रोनोलाइट, बॉक्साइट और कुरंडम ये तीनों आपका क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पारा तथा एल्युमिनियम की परमाणु संख्या क्रमशः होती है? ऑप्शन नंबर एक में दिया है आपका 7 और 24, ऑप्शन नंबर दो में दिया है आपका 80 और 13, ऑप्शन नंबर थ्री में दिया है 45 और 50, ऑप्शन नंबर चार में है 30 और 16। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 80 और 13। ऐसे भी जैसे कि आपका अगर मरकरी का नहीं याद रखे 80, आपको अगर पर एल्युमिनियम का याद रहता 13 तो उससे भी आपको ऑप्शन छाट सकते हैं, ठीक है, तो उस तरह से भी आप बना लीजिएगा। उसके बाद सिनेबार का रासायनिक सूत्र HgS होता है, यह किसका प्रमुख अयस्क है? ऑप्शन नंबर एक में है पारा, ऑप्शन नंबर आपका जो दो है वो ग्रेफाइट बता रहा है, ऑप्शन नंबर थ्री में आपका आयोडीन, ऑप्शन नंबर चार में सल्फर। तो इसका जो सही आंसर है आपका, देखिए ऑप्शन से ही आपको लग रहा होगा HgS का, HG किसका होता है, मरकरी का, तो इसीलिए आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर मरकरी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम तथा मैग्नीशियम भारत में प्राप्ति स्थान कौन सा है? एक नंबर आपका ऑप्शन है राजस्थान झारखंड, ऑप्शन नंबर दो में है आपका राजस्थान और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर तीन में है लद्दाख और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थ्री, लद्दाख और तमिलनाडु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का द्रवणांक तथा क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर एक है आपका
4005 और 3514, ऑप्शन नंबर दो में आपका 3550 और 4857, ऑप्शन नंबर तीन में है 7854 और 2556, ऑप्शन नंबर चार में है 7458-1245। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दो 3550 और 4857, ये आपका द्रवनांक हो गया, ये आपका क्वथनांक हो गया। यानी लिक्विड से सॉलिड से जब मेटल बने लिक्विड में आएगा तो आपके लिए 3550 डिग्री सेल्सियस के बाद उसके अगर उसको और फर्दर हीट कीजिएगा यानी क्वथनांक यानी वाष्प जो आपका लिक्विड स्टेट है उसको गैसियस स्टेट में चल जाएगा, इतना हम हीट करेंगे ग्रेफाइट को 4827 डिग्री से ज़्यादा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक अधातुओं की श्रेणी में कितने तत्व शामिल किए गए हैं? ऑप्शन नंबर एक में है 52, ऑप्शन नंबर दो में है 22, ऑप्शन नंबर तीन में 14 और ऑप्शन नंबर चार में आपका 48। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दो 22। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अधातुओं का घनत्व उच्च होता है? ऑप्शन नंबर एक है नहीं, ऑप्शन नंबर दो है हाँ, ऑप्शन नंबर तीन है कुछ नहीं कहा जा सकता, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दो हाँ, अधातु जो है घनत्व उच्च होता है। धातु का क्या होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, उससे कम किसका होता है? अधातु का। क्योंकि देखिए धातु में जो जनरली जो आपका जितना भी चीज़ होता है धातुओं में पदार्थ, वो आपका क्या होता है सोलिड अवस्था में रहता है केवल मरकरी को छोड़ के। तो सोलिड में रहेगा तो उसका डेंसिटी यानी घनत्व ज़्यादा रहेगा, और जो आपका अधातु है वो आपका दूर दूर रहता है, वो आपका गैस जनरली होता है या कुछ मेटल लिक्विड भी होता है। तो गैस होने के कारण इसका जो आपका घनत्व है वो कम होता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में संयोजन किया जाता है तो कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन नंबर एक है आपका हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर दो है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर तीन है अमोनियम गैस, ऑप्शन नंबर चार है ऑक्सीजन गैस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका तीन अमोनियम गैस, अमोनिया गैस आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के हाइड्राइड डैश होते हैं? ऑप्शन नंबर एक में है सहसंयोजक, ऑप्शन नंबर दो में है असंयोजक, ऑप्शन नंबर थ्री है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर आपका चार है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका एक सहसंयोजक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? ऑप्शन नंबर आपका एक है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर दो है आपका हीलियम, ऑप्शन नंबर आपका चार है फ्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका चार फ्लोरीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी अनुपस्थिति की वजह से धातुओं को हाइड्राइड विद्युत के उच्चालक होते हैं? ऑप्शन नंबर एक में है परमाणु, ऑप्शन नंबर दो में है धातु, ऑप्शन नंबर तीन में है आयन, ऑप्शन नंबर डी में है आपका अणु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीन कौन सी होगा आयन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की भौतिक गुण निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर एक है आपका इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ऑप्शन नंबर दो है आपका दुर्बल क्षार विद्युतीय धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर आपका तीन है ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, और ऑप्शन नंबर चार है उपयुक्त सभी। सही आंसर इसका जो होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन नंबर एक में है आपका विद्युत ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर दो में है विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती है, ऑप्शन नंबर तीन में है साधारण ताप पर गैस या ठोस अवस्था में रहती है, और उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चार सभी। यहाँ पे आपका मिस्टेक हो चुका है, कुचालक नहीं यहाँ पे सुचालक होगा, क्योंकि विद्युत और उष्मा दोनों का ही जो आपका धातु है तो यही सही आंसर होगा अपयुक्त सभी, इसमें कोई
ऑप्शन सबसे सही। निम्नलिखित में धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका एक है घनत्व उच्च होता है, ऑप्शन नंबर दो है इनका घनत्व निम्न होता है, ऑप्शन नंबर तीन है तन्य तार ध्वनियता होता है, ऑप्शन नंबर चार है इनमें से हथौड़ी से पीटकर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दो, इनका घनत्व कम होता है क्योंकि मेटल का घनत्व अधिक होता है और मेटल का अन्यथा धनवता सेहो अधिक होता है, लेकिन इसका घनत्व निम्न नहीं होगा अधिक होगा, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दो, इसका घनत्व निम्न होता है, यह गलत स्टेटमेंट है मेटल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक गुण के आधार पर धातुओं को कौन से गुण है? ऑप्शन नंबर ए में है धातु का अवकरण होता है, ऑप्शन नंबर टू में है परमाणु की धनया धातुओं के बनते हैं, ऑप्शन नंबर तीन में यह हाइड्रोजन के साथ संयोजन नहीं करती है, ऑप्शन नंबर आपका डी है अपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा अपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक गुण के आधार पर अधातुओं को कौन सा गुण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है आपका अधातु ऑक्सीकरण होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका जो दो है यह तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ऑप्शन नंबर थ्री है यह परमाणु ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर डी है अपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा अपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सोडियम परमाणुओं के विषय में कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है इनकी प्रोटोन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, इनके विद्युतीय उदासीन होते हैं, ऑप्शन नंबर तीन में इनके परमाणुओं का संयोजित सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर चार में अपयुक्त सभी, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका चार अपयुक्त सभी। ये जितना भी जो गुण है ये सब आपका सोडियम का विषय के बारे में सब सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम आयन के विषय में कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर एक है इन पर धन आवेश होता है, सही है, ऑप्शन नंबर दो है इनमें संयोजन सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सोडियम आयन आकरण सोडियम परमाणु के आकार से छोटा होता है, ऑप्शन नंबर चार है आपका अपयुक्त सभी, इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर आपका चार अपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन परमाणुओं के विषय में निम्नलिखित में कौन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए में है विद्युत उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर दो है आपका यह अस्थाई होता है, ऑप्शन नंबर तीन है इनके ब्राह्मण सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर चार अपयुक्त सभी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका चार अपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्लोराइड आयन के विषय में कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर एक है आपका क्लोराइड आयन एक आकार क्लोरीन परमाणु के आकार से बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर दो है यह ऋण आवेशित होता है, ऑप्शन नंबर तीन है इनके संयोजक सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑप्शन नंबर डी है अपयुक्त सभी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत संयोजक यौगिक के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत संयोजन यौगिक आयनों से बनी होती है, ऑप्शन नंबर दो है विद्युत संयोजक यौगिक द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं, ऑप्शन नंबर थ्री है आपका विद्युत संयोजक यौगिक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण हस्तांतरण के कारण बनते हैं, ऑप्शन नंबर चार है उपयुक्त सभी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी उपयुक्त सभी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्मिक कॉपर ऑक्साइड कॉपर के बर्तनों की चमक किसकी परत पर जम जाने के कारण चली जाती है? ऑप्शन नंबर एक है कास्मिक कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर दो है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर तीन है भास्मिक कॉपर ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर चार है इनमें से कोई नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थ्री भास्मिक कॉपर ऑक्साइड, थ्री नंबर ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद है नदियों में पीएच का मान अगर कम हो जाए तो उनमें रहने वाली मछलियों का क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर एक है उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर दो है इन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर तीन है वे काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर चार है इनमें से कोई नहीं, इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वह है उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि जो आपका जो पीएच मान आपका नदी में रहना चाहिए उसी पे वह फिक्स पे एक रहता है, लेकिन अगर उसका मान को अगर कम कर दीजिएगा तो ज़्यादा आपका जो है ना पी आपका अम्लीय हो जाएगा, जिसके कारण उसको रहना मुश्किल पड़ जाएगा उसका जीवन। नेतल के विषय में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर एक है इनके रोए मेथनोइल अम्ल का स्त्राव करती है। ऑप्शन नंबर दो है इनमें रोए गाढ़ जाने वाली खुजली होने लगती है। ऑप्शन नंबर तीन है झाड़ी में उगने वाला पौधा है। ऑप्शन नंबर चार है अपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन नंबर एक में है कागज तथा कपड़ों का व्यंजन करने में। ऑप्शन नंबर दो है आपका व्यंजन चूर्ण बनाने में। ऑप्शन नंबर तीन है पेयजल को शुद्ध करने में। ऑप्शन नंबर डी है अपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चार अपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन नंबर एक है अभिकर्मक के रूप में। ऑप्शन नंबर दो है आपका साबुन बनाने में। ऑप्शन नंबर तीन है कागज बनाने में। ऑप्शन नंबर डी है अपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका अपयुक्त सभी। आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका यूज अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है साबुनों बनाने में कागजों बनाने में, तो इसलिए इसका अपयुक्त सभी आंसर होगा। हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया बनाने में। ऑप्शन नंबर बी है आपका यानी दो वनस्पति तेल और हाइड्रोजीकरण करने में। ऑप्शन नंबर थ्री आप उपयुक्त दोनों और ऑप्शन नंबर चार है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ये दोनों यूज होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थ्री। तो दोस्तों यहीं तक सेशन को ख़त्म करते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और उसके बाद अगर हमारा रोज का अगर वीडियो आप देखते हैं रेगुलर तो आपका पड़ा मेडिकल में रिजल्ट होने से आपको कोई नहीं रह सकता है, आपका इसका 100% गारंटी देते हैं हम। तो चलिए इसी साथ सेशन को ख़त्म।